ये जो नैब है, एंटी करप्शन है, ये भी सत्तू पी के सो रहे हैं सर। ऐसे बंदे को तो कम से कम इससे बड़ा सबूत क्या दें आप, बताएं नैब के लिए, एंटी करप्शन के लिए? क्या ये इतना बासर है डीसी व एडमिनिस्ट्रेटर करेंगी कि नैब भी इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सक रही है, एंटी करप्शन भी इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सक रही है? वजह क्या है सर? मुझे तो लगता है या तो ये आमिल है नैब के ऊपर भी तावीज किए हुए, या ये भूत है जो उनको नजर नहीं आ रहा। अच्छा सर, अभी आपने खुद देखा यहाँ से आसिम अब्बासी ऐसी लैंडी यहाँ से गुजरे हैं हमारे और आपके सामने, शीशा नीचे करने का भी गवारा नहीं समझा। नैब को क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए? नैब को क्या जिस तरह से कचरा खाली प्लाटों में फेंका जाता है इससे बड़ा सबूत चाहिए? नैब किस सबूत की कोशिश में लगी हुई है कि उनको कोई सबूत मिल जाए कि इसकी तलाशी लें? इससे बड़ा सबूत कोई होगा सर? सबूत क्या, ये तो निशानदेही है ना, इससे बढ़कर क्या सबूत होता है? लेकिन इन्होंने यहाँ कोरंगी के अंदर दूसरी चीज बनाई हुई है, यहाँ जितने भी कचरे हैं वो इन सियासी पार्टियों को ठेके पे देते हैं। अच्छा। यहाँ इनके लोग यानी बंधे हुए हैं कि फला एरिया तुमको है, फला एरिया तुमको। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में फिदा पाकिस्तानी। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूँ बागे कोरंगी, जो कि सिंगर चोरंगी था शाफेसल की तरफ ये सड़क लीड करता है, जो कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी लवारिस हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का कोई पुरसान हाल नहीं है जिसका मुंह बोलता सबूत हम दिखा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके कराची वालों ने काउंसिलर्स चेयरमैन से निजात हासिल की। चले वो तो क्या थे, पार्शल थे, वो बिल्कुल पार्शल थे, किसी सियासी तंजीम से उनकी वाबस्तगियाँ थी, उनसे वफादारियाँ थी, वो तो करप्ट थे, लोगों ने भी माना और आज जो है सब मान रहे हैं उनके दौर में कोई काम नहीं हुआ। मगर डीसी व एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो बिल्कुल इम्पार्शल होता है, गैर जानिबदार होता है, उसके बावजूद भी ये सब कुछ होना, ये जो है जिली इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर व डीसी कोरंगी साहब हैं, ये साहब कहीं नहीं निकलते हैं यहाँ से। अभी अभी हमने देखा ऐसी लांडी को गुजरते हुए, जनाब आसिम अब्बासी साहब को यहीं से गुजरते हुए देखा, ये यकीनन वो रोज़ यहाँ से गुजरते हैं मगर सफाई नहीं करवानी उन्होंने। मैं नैब से दरख्वास्त करूँगा कि नैब इनकी तलाशी लें, एडमिनिस्ट्रेटर व डीसी कोरंगी की। मैं नैब से दरख्वास्त करूँगा एक बहसियत समाजी वर्कर और अदना सा सहाफ़ी, एडमिनिस्ट्रेटर व डीसी कोरंगी की ज़रा तलाशी लें। इस तरह जो है जिला कोरंगी की गलियां सड़कें खचाखच भरी पड़ी हुई हैं, कचरा साफ करने के लिए मशीनरी लगाई जाती है मगर कचरा जो है वो एक जगह में रोड के ऊपर ही डंप किया जाता है, उसको भी हम आपको दिखा देंगे। और इस तरह से जो है कराची वालों के साथ मजाक करना ये उसूलन खिलाफ वर्जियाँ हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और सेक्रेटरी जनरल सिविल सोसाइटी ऑफ ह्यूमन राइट्स जनाब इमदाद कंगो साहब भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये नाले खचाखच भरे पड़े हुए, यकीनन इसका जो भी बजट होगा वो मिलता है। मुहर्रम में कोई काम नहीं हुआ और क्लीन कराची के नाम पे मुहिम चलाई गई, जिला कोरंगी साहब नहीं हुआ, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? जी फिदा भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जो आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये कराची के लिए कोरंग खास तौर पे कोरंगी के लिए अलमिया है। हाँ। क्योंकि एक तो पहले ही यानी डीसी से पूरी कोरंगी नाखुश थी, क्योंकि वो ये ना बरसातों में निकला ना कभी निकला, और दूसरी तरफ इनको डबल यानी एजाज दे के नवाजा गया, एडमिनिस्ट्रेटर का नवाजा गया। हाँ। जबकि ये इनकी पूरी कोरंगी के अंदर कोई भी यानी कारकर्दगी नहीं। सर बाजार तो यही लगता है। अच्छा। कि पूरा दिन जो है वो उनकी सिंध गवर्नमेंट की जो पार्टी है वो उनके अफराद वहीं बैठे होते हैं, और एक पार्टी का जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेटर और डीसी बना हुआ है। हमने तो ये है, मैं एज ए सिविल सोसाइटी का मरकज जनरल सेक्रेटरी, हमने यानी बहुत मरतबा इनको लेटर पेड पे लिख के दिया भाई ये निशानदियाँ कराई हैं, और मैं CEO हूँ डे न्यूज़ का, हमने हद से ज्यादा कवरेज की। अगर कोई यानी कोई काम के वो हमें नजर ही नहीं आता कि ये किसी फला या बबूद आवाम के लिए करें। ये जो नैब है, एंटी करप्शन है, ये भी सत्तू पी के सो रहे हैं सर। ऐसे बंदे को तो कम से कम इससे बड़ा सबूत क्या दें आप, बताएं नैब के लिए, एंटी करप्शन के लिए? क्या ये इतना बासर है डीसी व एडमिनिस्ट्रेटर करेंगी कि नैब भी इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सक रही है, एंटी करप्शन भी इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सक रही है? वजह क्या है सर? मुझे तो लगता है या तो ये आमिल है
नेप के ऊपर भी तावीज़ किए हुए, या ये भूत है जो उनको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, कोई करप्शन नज़र नहीं आती यहाँ पूरी कोरंगी के अंदर, यानी इंक्रोचमेंट हो गई लैंड माफिया सरगर्म में, सब माफिया सरगर्म में, लेकिन इनको कोई नज़र ही चीज़ नहीं आती, नज़र नहीं आ रहा। या ये कादसम का कमाल है सर, जो दो चीज़ें है ना, या नाली है या नोटों की जो है ना खुशबू है। आप क्या समझते हैं, अगर डीसी व एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी की तलाशी लेती भी है नेप या एंटी करप्शन, तो क्या समझते हैं, क्या कुछ नहीं निकलेगा इससे? सर हम तो चीख चीख के कहते हैं, यहाँ पे जो भी यानी डीसी आता है ना, आता तो वो रक्षे पे चल के या छोटी गाड़ी पे चल के, लेकिन यहाँ से जब जाता है ना, दो दो तीन तीन वीगो प्राडो और लैंड क्रूजर लेके जाता है। क्यों, इनको कोई डर खौफ नहीं है? ओ सर जी, ये तो सिर्फ एक एसी है ना। हाँ। यहाँ से डीसी भी गुजरते हैं, यहाँ से ओवरऑल ये एसी भी गुजरते हैं, मुख्तियार कार भी गुजरते हैं, क्योंकि ये कोरंगी की मेन लाइन है, मेन रोड है कोरंगी का। अच्छा। यही रोड है शहर कराची की तरफ जाने का, ये इनको हर चीज़ का पता है, लेकिन अगर उनको खुदा यानी वसीयत नहीं देता काम करने की, तो क्या कर सकते हैं हम जी। नाजरीन, यही रोदात हर कोई करेगा, डीसी व एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साहब की कारकर्दगी बिल्कुल नामुनासिब और ज़ीरो है। हम दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें नाजरीन, ऐसी लैंडी साहब यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि आगे कोई इंक्रोचमेंट इनकी नाक के नीचे हुई है। अरफानी गोट में इसी एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साहब, इसको गैर जानिबदार होना चाहिए था। हमें ये भी शिकायत और इंफॉर्मेशन मिलती हैं कि ये जो है एक ही तंजीम के लोगों को, एक सियासी तंजीम है जो कि सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उसी की गीत गाता रहता है और उन्हीं के लिए उसके दरवाजे खुले हुए होते हैं। दीगर लोग जो है वहाँ जब भी जाएं, इवन मीडिया तक चली गई वहाँ, आज चैनल वाले चले गए उनसे मौका लेने के लिए, ये जितनी भी बेजाबदगियाँ हो रही हैं, मगर डीसी कोरंगी ने दरवाजे नहीं खोले। क्या कहना चाहेंगे फाइनल? सर बिल्कुल सही बात है, बज़ाहिर तो इसके अमालों से यही लगता है, और दूसरी बात के वो उन्हीं तंजीमों को ले लोग जो है वो डेरा लगा के बैठे हुए यहाँ। ये तो आज टीम है ना, यहाँ K21 वालों ने कवरेज की, लैंड ग्रेबर्स की, यहाँ जियो न्यूज़ वालों ने की, लेकिन कोई भी जो है ना, कोई भी उस पर एक्शन नहीं हुआ, तो बाजार इनके अमालों से यही लग। नाज़रीन, बजट अगर इस्तेमाल होता, यकीनन ये देख सकते हैं आप, बजट यहाँ लगता, और ये मेन सड़क है कोरंगी की, सिंगर चोरंगी ता शाफेसल को लीड करती है, अहम शहरा है, यहीं से गुजरता है डीसी व एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी, जो कि ये बेजाबतियाँ हैं, इसका फैसला आपने करना है, इसका फैसला हमारी नेब ने करना है, इसका फैसला हमारी एंटी करप्शन ने करना है। इसके साथ अपने मेज़बान फिदा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए, और आप देखते रहिएगा वॉइस ऑफ कराची। थैंक यू।